और ये इनका पीनट बटर, अरे और दूध देने जा रही हूँ एक ग्लास। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग नहीं बोला मैंने आप लोग से। डॉक्टर दिए हैं जिनको, पता ही है डॉक्टर के यहाँ जाइए तो बहुत सारी दवा देते हैं। चलिए दूध दे देते हैं, रख दो। कल मैं ऐसे दूध रख दी थी, ये भूल के चले। तो फ्रेंड्स खाना बन गया, मैं आपको दिखाती हूँ कि खाना क्या बनाई हूँ मैं। आलू गोभी टमाटर की रसेदार सब्जी, और क्योंकि आज मेरा फास्ट है, मंडे है, और उधर आप लोग को दिख रहा होगा चद्दर डला हुआ है, क्योंकि पर्दा तो जैसे कि आपको पता है मैंने ये डाल रखा है, तो अभी मैं लगाऊंगी तो बाहर से रात में दिखता है, जब लाइट ऑन होती है तो बाहर से दिखता है, इसलिए लकी ने पर्दा लगा दिया वहाँ पे। और जो आज मैंने डाले हैं पर्दे, वो तो गेट के पर। मैंने क्या बनाया है खाने में, रही आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी टमाटर कैसी लग रही है देखिए, बहुत टेस्टी देखने में लग रही। इधर है चावल, हमारी रोटी तो अभी तो आए नहीं है भैया, तो अभी मैं ढक देती हूँ किचन, अभी मैं क्लीन करूँगी थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले तो मैं डाल देती हूँ कपड़े, कपड़े मतलब वही पर्दे, और जो खिड़की वाले जो इसके पर्दे हैं वो सूख गए हैं, तो मैं इसको जो है लकी आ रहे हैं तो मैं लगवा देती हूँ इसको पर्दे। इसको मैंने धुला था, इस पे टेबल पे बिछा रहता है, तो इसको अब मैं बिछा देती हूँ। ये दो हैंकी ढूंढती हूँ, मिलती नहीं है, सोच लीजिए आप लोग। आप लोग के भी बच्चे ऐसे करते हैं जैसे मेरे बच्चे करते हैं, जैसे जो इच्छा हुई वैसे रख दिए, तो ये नहीं है कि ऐसे रखूं ताकि जो है ये निकाल सके, निकाल के पढ़ सके। कॉपी अलग रख देती हूँ, बुक्स वगैरह अलग रख देती हूँ। ये लकी की टेबल है, क्रिस की टेबल उधर है। शैतान बच्चे, बच्चे चाहे कितने बड़े हो जाएं, लेकिन जो है ये नहीं कि अपना सब कुछ अच्छे से रखें, नहीं, ऐसे जैसे मर्जी होगी वैसे फेंक देंगे। उनकी कोई चीज अगर इधर उधर हो गई, उसके लिए भी हजीहत है कि मम्मी मेरी चीज कहाँ रख दी, ये मिल नहीं रही है, इसलिए फिर भी ये रखा गया है। और इसके अंदर तो पूरी कॉपी किताब है ही इसके अंदर। अब क्रिस का ना एग्जाम हो जाए ट्वेल्थ का, तो फिर मैं इनकी सारी जो इनको पढ़ना है वो कॉपी किताब निकाले, अदरवाइज मैं सारी जो भर गई है कॉपीज उसको मैं बेच दूंगी रद्दी में। क्या करूंगी, जो भर गई है उसका क्या काम बताइए। हाँ, जो बुक है वो मैं नहीं दूंगी, वो रखी रहेगी इनकी, लेकिन कॉपी तो मैं सब दे दूंगी। वो आए तो इसमें से मैं दिखवाती हूँ कि क्या सही है क्या खराब, मैं फेंक दूँ। फिर देखिए खाली बोतल, गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है स्कूटी की। तुम्हें पता था, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ। ये बेटा ये जो पेज है इसमें देख लो, जो खराब चीज हो बेटा उसको मैं फेंक दूं। ये देखो मैंने कितने अच्छे से रख दिया, ये इनका काम है, लेकिन इतने बड़े हो गए हैं, इतने बड़े हो गए चट नहीं। आप लोग कहिए तो हाथ साफ कर दूं। अब उनकी टेबल साफ करनी है, उनकी टेबल अभी मैं थोड़ी देर बाद साफ करूंगी। अभी मैंने वो डोरमेट वगैरह धुल के मैं आई हूँ, मैंने सोचा कि ये बिछा दूं, और पर्दे भी लगाने हैं तुमको, तो लकी आ गए हैं इनसे मैं पर्दे वगैरह लगवा लेती हूँ। तो मैं खा लेती हूँ एक एप्पल, उसके बाद फिर लग जाती हूँ काम में, और क्रिस की भी फोकस हो जाए, क्रिस की भी टेबल मैं क्लीन कर दूँ सोच रही। तो चलिए लगते हैं सफाई में। झाड़ू दे दोगे जरा? हाँ, पीछे, क्योंकि इतना गंदा है कि क्या ही बताऊं, यहाँ पीछे बहुत गंदा है। ला।
वो बंद कर दो। अरे आ गए हैं, और बक्सा मैंने हटाया था क्योंकि वो चद्दर अच्छे से नहीं बिछा था। हाँ मैं सोची तुम आ जाओ तो कॉपी किताब रखते हैं, थोड़ा खा पी लो उसके बाद फिर कॉपी किताब। तो ये सब क्रिस रखेंगे। टेबल मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और बक्से पे वो जो बेडशीट था वो भी मैंने अच्छे से बिछा दिया, और इधर टेबल सही हो गया, ये टेबल सही होनी है। तो सबसे पहले तो चलते हैं भैया को खाना देने, क्योंकि उसको भूख लगी है बहुत ज़ोर से। वो आता है ना, उसको सबसे पहले खाना चाहिए, क्योंकि सुबह का गया रहता है, वही चना खाया रहता है मूँगफली, तो इनको खाना दे देते हैं, और फिर लकी से बोलते हैं फिर पर्दा लगाने के लिए। धुल लें तो बोल रहे हैं कि मम्मी आओ पर्दा लगाओ। अब मैं चलती हूँ पर्दा पहले लगाती हूँ, उसके बाद फिर बर्तन धुलूं। चलो टीवी बंद करो, टीवी बंद करो और पर्दा लगाना स्टार्ट। कहाँ गए पर्दा? चलो पहले ये खोलो। लकी ने लगा ही दिया, फैला लो, क्लीन हो गया एकदम, चमक गया नहीं। हाँ ये बात तो है कि ऐसे नहीं है जैसे आ रहे हैं। तो चलिए अभी देखो अभी, हाँ आओ जरा तुम, अभी तो आ रहे हो गोरी बेटा। स्क्रीनशॉट मार लूंगी था। तो चलिए अब चलते हैं बर्तन धुलने, ठीक। और गौरी तो आ रही है क्योंकि लाइट जल रही है बहुत तेज वाली, इस वजह से अब ये जा रहे हैं लाइट। देखो टीवी देखे और जा रहा हूँ, जैसे दही देखा है भरे के टाइफाइड। अब कल मैं यहाँ का पर्दा लगाऊंगी, यहाँ का और वहाँ का, वहाँ दोनों का। आज सूख जाएगा ना तो कल लगाऊंगी ना। अच्छा लगता है जब क्लीन हो जाता है ना, देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए, ये देखिए। हाँ इनका गेम, कौन सा गेम है मेरे सब्सक्राइबर को बता दो। और मंदिर तो मैंने आप लोग को दिखा ही दिया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बस ट्रेलर है, और यहाँ कपड़े धुल के रखे मुझे फोल्ड करने हैं, ठीक है। और चलते हैं, किचन मेरा क्लीन ही हो गया, आप लोग ने देख लिया, अब चलते हैं बर्तन धुलते हैं। काम मैं अच्छा करती हूँ एकदम मस्त। लीजिए क्लीन हो गया हमारे बर्तन, और ये चना सुबह में भिगोई थी तो थोड़ा सा छोड़ दिए हैं, नहीं खाए हैं क्योंकि मुझे प्यास लग रही है, ऐसा लग रहा है मुझे प्यास लग रही है। तो चलते हैं बैठ के पियेंगे आराम से। और ये
गद्दे का जो कवर भी मैं धुली थी ये भी चढ़ाना है। दवा खाए हैं तो दवा पिए हैं, इसी ढक्कन से पीते हैं और आप देख सकते हैं कैसे पूरे उसमें दवा लगी हुई है। तो कभी कभी तो गुस्सा आती है मुझको। अब इसको मैं धुलूं अच्छे से, पहले पेपर वगैरह खराब जहाँ रखो चीटें लग जाती है। चलो भैया अब मैं लेटूंगी, बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। टाइम मैं दिखा दूं आपको, 2 बज गए, अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं ठीक। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने सोचा मैं अपनी ये वाली भी अलमारी क्लीन कर दूँ, तो आप देख सकते हैं एकदम क्लीन हो गई। ये देखिए ये सब कुछ मैंने अच्छे से, मैं आपको दिखा दूँ कि जब मतलब मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, तो आप देख सकते हैं मेरा फेस, देख रहे हैं कैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है वो मधुमक्खी ने काट लिया है मेरे फेस पे। और डेट पड़ी है आप देख लीजिए, 7 मई 2023, ऑपरेशन के पहले का, ये मई में और जुलाई मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं और मेरा बेटा लकी। ये देखिए लकी के साथ, मुझे पता भी नहीं था, नहीं तो क्रिस के साथ भी मैं खिंचवाती, वो तो बस खुद ही बोले कि मैम खड़े हो जाइए, तो मैं ऐसे खड़ी हो गई। अगर आपको मेरी शादी के एल्बम देखनी है तो बताइएगा, मैं दिखाऊँगी। चलिए आप देख लीजिए, ये रही मैं ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर में। ये क्रिस की फोटो, ये देखो क्रिस मेरे थे, ये लकी की बर्थडे मतलब लकी का बर्थडे था, तो क्रिस ये 6 महीने के थे, कितने गोलू मोलू से दिख रहे हैं, देख रहे हैं मेरे क्रिस छोटू से गोलू मोलू से। इसमें हो गए थे आई थिंक 2 साल के थे या 1 साल के, मुझे याद नहीं है, 2 साल के। बाल देखो आप इनके कितने बड़े बड़े हो गए थे इनके बाल, है ना, ये लकी और ये क्रिश, बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे इनके। और मैंने इनका मुंडन तीसरे साल में करवाया था, ये 6 महीने के थे तब की है और ये 2 साल के थे तब की है, क्योंकि 2 साल में जब ये हुए थे क्रिश, तो मैं कानपुर में 2 साल थी। टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, बच्चे छोटे से कब बड़े हो गए, कुछ एक एक दिन आप जोड़ेंगे तो पता चलेगा, वैसे नहीं। और ये देखिए क्लीन पूरा, देखा ना साफ हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। अब बस इधर हमारे पर्दे लग जाए, हो गया। और पर्दे ये देखिए, पर्दे सूख गए हैं, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही इसलिए मैंने हटा लाया, वहाँ से बाहर डाली थी तो बाहर से मैं ले आई, यहाँ डाली हुई, फैन चला लूँगी तो सूख जाएगा, आज मैं लगवा दे दूँगी। तो चलिए ये जो कचड़ा है इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, ये देखिए इसको मैं साफ कर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, वैसे मेरा काम सारा फिनिश हो गया, अब कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं क्रिस अपना रखना स्टार्ट कर दिया, बोले मम्मी मैं खुद ही रखूँगा, तो इसमें ये देख लेंगे जो सही होगा अपना रखेंगे, जो नहीं सही होगा। अच्छे से अपना रख लिया है, जो इनको ज़रूरत है, जो नहीं ज़रूरत है वो नीचे रखें, मतलब इसकी भी ज़रूरत लगती है तो जब इनकी इच्छा होगी अपना निकाल लेंगे, और ऊपर बस थोड़ी सी ही रखें। चलता है? नहीं, कैसे गिरा था ये यार? नहीं, तुम ही तो गिराए थे, भूल गए क्या? तुमको ये मैं दी थी मोबाइल पढ़ने के लिए, तुम ही गिराए थे। मेरे फ्रेंड काम, और मैं अपने लिए जो है थोड़ा सा चिप्स और पापड़ फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अब भूख लग रही है, अब 6 बज गए, 6:30। तो इधर फ्राई कर लिया मैंने, इसको ठंडा, चाय भी हमारी बन गई, तो चलिए इसको छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पूजा भी कर लिया और बाहर दीपक भी जला दिया, अब मैं चिप्स और चाय आपने देखा ही मैं बना के ले आई हूँ, तो मैं चलती हूँ बैठ के आराम से खाऊंगी। और मैं ब्लॉग का भी एंड करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अब नहीं हो पाएगा मुझसे, अब रात का खाना वगैरह बनाऊँगी, देखो क्या बनता है, 2 जन हैं जो बताएंगे वही बना दूँगी। तो कैसा लगा ब्लॉग बताइए कमेंट में, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अब इसके बाद आपको दिवाली की शॉपिंग देखने को मिलेगी कि मैंने क्या क्या खरीदा, तो तब तक आप लोग भी शॉपिंग करिए और इन्जॉय करिए। मिलते हैं आप लोग के एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय राम जी, बाय।